अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैन अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये सेट है हाइसेंस का, 40 इंच का एलईडी टीवी है। तो इसमें फॉल्ट है कि इसकी पिक्चर नहीं, इसका डिस्प्ले नहीं बन रहा, ठीक है। इसकी साउंड आती है लेकिन इसके इसमें इसकी पिक्चर नहीं आ रही, ठीक है। डिस्प्ले जो है नज़र नहीं आता, ठीक है। तो जब हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, मसलन जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सेट अभी ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करते हैं तो हमें वोल्ट कम मिलते हैं, ठीक है। ये सेट अभी ऑन है तो 37 वोल्ट मिल रहे हैं, 37.34 वोल्ट, ठीक है। जो कि स्टैंड बाई मोड में यहाँ पे कम से कम 46 से ऊपर वोल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। तो जब 46 के ऊपर वोल्ट मिलेंगे तो फिर सेट हमारा जो कि बैक लाइट इसकी ऑन होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 37 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी बैक लाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही, ठीक है। तो जब हम देखते हैं तो इसमें फॉल्ट क्या है, फॉल्ट इसके साथ एक कैपेसिटर लगा होता है, 200 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है, जो कि ख़राब है। 200 वोल्ट का कैपेसिटर है, 33 UF 200 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है इस बैक लाइट के ऊपर, तो वो ख़राब है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है कि जो वोल्ट पूरे नहीं मिल रहे बैक लाइट को। जब बैक लाइट को वोल्ट पूरे नहीं मिलेंगे तो बैक लाइट इसकी ऑन नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके नीचे ये कैपेसिटर होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका ख़राब है। ये 200 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है इसके ऊपर, बैक लाइट के ऊपर है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से ये फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज करके देखते हैं। ये आप बिल्कुल वाजे देख सकते हैं कैपेसिटर इसका फूला हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। मैं रिमूव कर लिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ख़राब है, जिसकी वजह से बैक लाइट ऑन नहीं हो रही, ठीक है। ये 200 वोल्ट का कैपेसिटर है, 33 UF 200 वोल्ट, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम ये ऐड करेंगे, ठीक है, ये भी 33 200 है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जी लगा दिया मैंने, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। अब हम इसको पावर देते हैं दोबारा से बोर्ड को। पहले यहाँ से स्क्रू लगा लेते हैं एक दो, फिर इसके बाद इसको चेक करते हैं। तो जी ये मैंने लगा दिया, अब मैंने इसको पावर दे दिया। तो अब हम इस यहाँ पे इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं, लेकिन अभी भी इसकी बैक लाइट ऑन नहीं हुई, ठीक है। हो सकता है इसकी बैक लाइट में भी फॉल्ट हो, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो देख सकते हैं भाई, यहाँ पर हमें वोल्ट मिल रहे हैं 48, ठीक है। वोल्ट अब पूरे मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन बैकलाइट इसकी अभी भी ऑन नहीं हो रही, ठीक है। अब आप देख सकते हैं तकरीबन 50 के लगभग 48-49 वोल्ट हमें मिल रहे हैं बैकलाइट के ऊपर, लेकिन बैकलाइट इसकी फिर भी ऑन नहीं हो रही। इसका मतलब है कि इसकी बैकलाइट में भी फॉल्ट है, ठीक है। पहले तो इसका कैपेसिटर ख़राब था, यहाँ पर वोल्ट बहुत कम मिल रहे थे, तो अब जब ये वोल्ट मिलना शुरू हुआ है तो इसकी बैकलाइट में भी फॉल्ट है, ठीक है, 49 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम इसकी बैकलाइट को भी चेक करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर का जो फॉल्ट था वो तो मैंने, ये आप देख सकते हैं, तो कैपेसिटर तो चेंज कर दिया, लेकिन अब इसकी बैकलाइट भी ख़राब है, वो भी चेक करना पड़ेगी, ठीक है। तो जी ये मैंने लगा दिया, कैपेसिटर भी लगा दिया, और इसमें कैपेसिटर लगाने के बाद भी जो हमारी बैकलाइट थी वो ऑन नहीं हो रही थी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा फॉल्ट था तार में, तो मैंने लगा दिया, वो जैक इसका लूज था, ठीक है, जो बैक लाइट के लाइट के ऊपर लगा होता है, ठीक है, छोटा जैक नहीं होता वो। तो अब मैं दोबारा से इसको पावर देने लगा, तो मैंने पावर दे दिया। अब सेट हमारा स्टैंड बाई मोड में, अभी ये रिमोट से ऑन होगा, ये इसकी ग्रीन लाइट ऑन, तो आप देख सकते हैं बैक लाइट इसकी ऑन हो चुकी है, ठीक है। सेट हमारा इस वक्त ओके, ठीक है, सेट, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट, जो मेन फॉल्ट था वो इसका ये कैपेसिटर का था,
ये 200 पे 200 वोल्ट के ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है बैक लाइट के लिए। यहाँ तो यहाँ पे बैक लाइट पे हमें वोल्ट मिलने चाहिए 50 तकरीबन 50 के करीब, ठीक है। तो पहले जहाँ पे वोल्ट हमें मिल रहे थे वो मिल रहे थे 37-38, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बैक लाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही थी। तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने मल्टीमीटर के ऊपर, ये 200 के ऊपर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वोल्ट अब आ रहे हैं 86, ठीक है, 86 वोल्ट हमारी बैक लाइट को वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर बैक लाइट ख़राब होगी तो फिर यहाँ पे 50 वोल्ट मिलेंगे। अब बैक लाइट चालू है, ऑन हो रही है, तो यहाँ पे 86 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा सेट जो है इस वक्त ओके। तो इसमें फॉल्ट बस कैपेसिटर का था।